अनुप्रिया जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अनुप्रिया जी, हिंदू स्वाभिमान यात्रा की बात हो रही है, इस हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर तो आप ही के पार्टी के प्रवक्ता ने भी एतराज जताया है। उन्होंने कहा कि बिहार में सांप्रदायिक सौहार्द कायम है, ऐसी यात्रा की क्या जरूरत थी? प्रत्युष जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं भारत के तमाम लोगों को तो एक बस आश्वस्त करती हूँ कि ये बिहार है और बिहार में नीतीश कुमार जी के शासन काल में सभी का न्याय के साथ विकास हुआ है और हमारे सहयोगी दल जिनका भाजपा जिनका नारा है सबका साथ सबका विकास और इस राज्य में और देश में संविधान से चलता है। इस देश में ना ही कोई धर्म खतरे में है ना ही किसी धर्म में रहने वाले लोग खतरे में। देखिए आरजेडी जो अब विशुद्ध है, मैं कहूंगी कि जो धर्म की राजनीति करने वाली पार्टी है, क्योंकि उन्होंने अभी आरजेडी के प्रवक्ता ने कहा कि माफी मांगनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म और ईंट से ईंट बजाने वाली राजनीति करने और भाषा ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने वाले आदरणीय तेजस्वी यादव जी कहां थे जब बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री रामचरितमानस पर सवाल उठा रहे थे, मां सीता पे मां सरस्वती पे सवाल उठा रहे थे, तब तो आप मुंह में चुप्पी साधे हुए थे। तब आपको सिर्फ याद आ रहा था कि आपकी एक वोट कहां जाएगी, क्योंकि आप एम वाई समीकरण की राजनीति करते, वो आप कहते हैं, हम नहीं कहते हैं, हमने नहीं कहा, आपने खुद सर्टिफिकेट दिया, आपने सुधारा कि मेरे पिताजी ने जो एम वाई समीकरण किया था, अब हम ए टू जेड की बात करते हैं, हम मां बाप पार्टी की बात करते हैं। देखिए जवाब उनको देना पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने मुस्लिम भाइयों को सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए, मतलब आप ये कहना चाह रही है कि आरजेडी आरजेडी को जब भी चिंता या फिक्र होती है तो सिर्फ और सिर्फ अपने मुस्लिम वोट बैंक की होती है। अनवर पाशा जी, इसका जवाब दे दीजिए। आरजेडी को सिर्फ अपनी राजनीति की चिंता होती है, अपने परिवार को राजनीति में मजबूती देने की चिंता। जो भाषा जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है उस भाषा में प्रदीप सिंह जी या गिरिराज सिंह जी की भाषा में और जेडीयू की जो प्रवक्ता है उनके भाषा में कोई फर्क नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठे हुए ये जो जेडीयू के लोग हैं ये उसी भाषा में बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी समाज को रामचरितमानस पे आपके प्रवक्ता ज्ञान देके चले गए, आपने कुछ नहीं बोलना चाहती है, आपने देश में समाज में नफरत फैलाना चाहती है। मैं आपको बता दूं कि आप जिस तरह से ईंट की ईंट बजाने की बात कर रहे हैं, ईंट से ईंट आपको बिहार की जनता बजा रही है, सत्ता से बाहर बैठा करके जिसने आपने जनता की गड़ी कमाई को अपनी संपत्ति बना ली। ये आपका नारा है कि जो संपत्ति जनता की है वो संपत्ति हमारी है। लालू प्रसाद यादव ने सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम और यादवों की राजनीति की है। आपने आपके शासनकाल में दंगा हुआ है और नीतीश कुमार जी के शासनकाल में बिहार में मुस्लिम और हिंदू दोनों, जब हम लोग कब्रिस्तान की भी घेराबंदी करते हैं और हमने मंदिर बनाया, आपको पता होना चाहिए कि मां सीता की जन्मभूमि सीतामढ़ी में किस तरह से पुनर्धाम का हम लोगों ने फिर से निर्माण कराया। अरे चिंता सिर्फ वोट की करते हैं, हम आपकी चिंता समझते हैं लेकिन आपके राज्य हम चलने नहीं देंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने ठान लिया है कि बिहार में सबके साथ न्याय के साथ विकास होगा। अनुप्रिया जी, अनुप्रिया जी, अनुप्रिया जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया जो मैंने शुरू में पूछा था। आप ही के पार्टी के प्रवक्ता ने एतराज दर्ज कराया था इस स्वाभिमान यात्रा पर, उन्होंने कहा था कि इस यात्रा की क्या जरूरत थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि जेडीयू को लग रहा है कि सीमांचल में जो उसका वोट बैंक है कहीं बीजेपी सेंधमारी ना कर ले? प्रत्युष जी, मुझे लगता है कि उस यात्रा के बारे में स्पष्ट रूप से भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने वो कहा, नहीं नहीं बीजेपी ने तो कह दिया कि वो गिरिराज सिंह जी की निजी यात्रा है, उसका पार्टी से लेना देना नहीं है। फिर आप जब हम अलायंस की बात कर रहे हैं, यहाँ अलायंस से सरकार चल रही है, गिरिराज सिंह जी सरकार नहीं चला रहे, और हमारा जो नारा है वो यह है कि न्याय के साथ विकास होगा, किसी भी धर्म और किसी जाति के साथ अन्याय नहीं होगा। क्योंकि अभी गुजर पहले दानिश जी, दानिश जी, दानिश जी, आप कह रहे हैं वोट बैंक की पॉलिटिक्स चल रही है, पोलराइजेशन चल रहा है, आपके विधायकों को तो अपने पाले में कर लिया था आरजेडी ने, बिहार के सीमांचल में आपका खाता खुला था, पांच जीते थे ना, चार तो खसक के चले गए आरजेडी में, किसने कहा किसकी सेंधमारी कर दी? सुनिए मेरी बात, बात सेंधमारी की नहीं, अवाम के साथ में जो भी दगाबाजी जिसने भी की है बिहार में,
आने आने वाले दिनों में आपको उनका जवाब मिल जाएगा। और रह गई बात, अख्तरुल ईमान साहब खड़े हैं वहां पर आवाम के बीच में और काम कर रहे हैं। जो लोग वहां से गए थे वो लोग आज भी गिड़गिड़ाते हैं, खबरें आती रहती हैं कि वो आपस वापस आना चाहते हैं। अच्छा। लेकिन हालात इतने तंग हैं कि ऐसे गद्दारों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो इसका बेहतर जवाब अनवर पाशा देंगे। अनवर पाशा बताइए, आप जिन AIMIM के विधायकों को अपने पाले में ले गए, दानिश भाई कह रहे हैं गिड़गिड़ा रहे हैं आने के लिए AIMIM, आपने ठग दिया उनको RJD में लाकर। अनवर पाशा जी, ऐसा है कि गिड़गिड़ा रहे अगर हाँ, तो उनको कबूल कर ले। वो लोग क्यों छोड़ के आए थे, RJD में क्यों शामिल हुए थे, इसलिए शामिल हुए थे कि ये वो लोग हैं, ये वो नेता है जिन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि MIM की जो सियासत है, MIM की जो राजनीति है, वो राजनीति भाजपा की राजनीति से अलग नहीं है। MIM भाजपा की ब्रीड टीम है और वही स्वयं MIM बोलती है जो भाजपा बोलती है। इसीलिए वो लोग छोड़ करके MIM को छोड़कर RJD में आ गए और RJD में करके वो अपनी अपनी भूल को वो सुधारा है। उन्होंने राजनीतिक अपनी रास्ता अपना रास्ता तय कर लिया है। वो MIM को रिजेक्ट करके RJD में आए और RJD के सिमिलर सियासत आ गई। वही बात आ गई, वही बात डॉक्टर अजय आलोक, AIMIM BJP की बी टीम। देखिए तेजस्वी ने यह बयान क्यों दिया था, ईंट से ईंट बजा लेंगे जो भी मुसलमानों को बुरी नजर से देखेगा। अनवर पाशा अदानी कुरैशी की बहस समझिए, ये सारा खेल तो भाईजान के वोट के लिए है। डर है ना कि भाईजान का वोट कहीं इधर से उधर बट नहीं जाए। इस वोट को एक सारा खेल भारत को संविधान के अनुसार चलाने का है। अनवर पाशा हमारा सारा कंसर्न अजय आलोक जी, हम संविधान के अनुसार इस देश को चलाना चाहते हैं। आप मनुस्मृति के आधार पर इस देश को चलाना चाहते हैं, आप शोषितों वंचितों के अधिकारों को छीनना चाहते हैं, आप संविधान को खत्म करना चाहते हैं, आप मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। ये आपकी इच्छा है और हमारी पार्टी के रहते हुए आप भारत में मनुस्मृति को नहीं लागू कर सकते। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, उसी संविधान पर देश चलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान हम आपको कभी कामयाब नहीं होने देंगे। अजय आलोक जी, आप कह रहे हैं कि RJD AIMIM दोनों लड़ रही है भाईजान की वोट के लिए, तो क्या BJP को वोट नहीं चाहिए भाईजान के? ये देख लीजिए सामने आज कंगन को आरसी क्या है, ये सामने है, ये सामने हो रहा है। अनुप्रिया जी कुछ कहना चाह रही है, अनुप्रिया जी। हाँ बिल्कुल, अजय आलोक जी देखिए अभी भी का संविधान बनाना चाहते हैं, मनुस्मृति के संविधान। एक सेकंड अनवर पाशा जी, एक सेकंड। हाँ अनुप्रिया जी कंटिन्यू। जी आपके ही शो में दानिश जी ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया कि कैसे RJD मुस्लिम भाइयों को बरगला रही है, उनका शोषण कर रही है। उन्होंने आज तक उनको वोट के लिए ही राजनीतिक समझा, कभी भी उनको शासन। एक बार अनवर पाशा जी को और दानिश कुरैशी को रखिएगा स्क्रीन पर, क्योंकि एक कह रहे हैं कि भाई हमने उनको नहीं बुलाया, वो तो खुद आ गए। एक कह रहे हैं कि वो गिड़गिड़ा रहे हैं। अरे देखिए मैं आपको बताऊं प्रत्युष, एक बात समझ लीजिए। सवाल ये है कि जिस तरीके से खेल रचने की कोशिश RJD ने की थी, आज उनकी हालत जो है, पहले तो वो सत्ता से बाहर हो गए और वो जो थे नीतीश बाबू वो तो पहुंच गए वहां, तो वो तो यहां से वहां वहां से वहां गुलाटी मारते रहते हैं। अब ये जो बेचारे गए थे वो तो फंस गए। अब दिक्कत ये क्यों नहीं मानते कि आप संभाल कर नहीं रख पाए। जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि भाई वो जो गिरिराज सिंह जी की जो वो है यात्रा है, उसका अलायंस है और भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, उसके बाद उसको डिफेंड भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ भाई ये पोलराइजेशन सिर्फ कर कौन रहा है, ये बताइए ना। वो ये कह रही है कि हमारा एक अलायंस एक मुस्लिम एक हिंदू, पोलराइजेशन दोनों साइड छोड़ा है, मुसलमान को ठग रहे हैं। हां प्रत्युष भाई, देखिए मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं, मुझे एक बात याद आ जाती है मौलाना अब्दुल कलाम साहब के, उन्होंने कहा कि इस भारत के बेहतर के मुस्तकबिल के फैसले बिना मुसलमान के नहीं होंगे। तो बिल्कुल दानिश भाई सुन लीजिए, नाजिम बिल्कुल जग जाएंगे। एक सेकंड नाजिम खान कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। ये बेहतर फैसले हो ही नहीं सकते। और रही बात ये कि भाई हम लोगों की वोट है तो आप लोगों को चाहिए, आप चाहते हैं कि मुस्लिम समाज की वोट आए, लेकिन मुसलमानों के लिए आपने बेहतर क्या किया है? अरे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है कि भारत के मुसलमानों के हालात दलित से बदतर है, तो आज तक आप लोगों ने मुसलमानों के हालात
क्या अच्छे किए, कितनी सरकारी महकमे में आपने मुसलमानों को नौकरियां दी, कितने मुसलमान बेटियों को आप आगे लेकर आए, लेकिन वोट तो चाहिए, मुस्लिम बेटियों को आप भागीदारी भी नहीं दे रहे। मैं तो ये कहता हूं कि ये मुल्क के अंदर ये बंद कर दीजिए तुष्टिकरण, मुसलमानों की वोट लेना बंद कर दीजिए। ये कहिए कि हमें सब भारतीयों की वोट चाहिए ताकि इस मुल्क को मजबूत बनाया जाए, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ तुष्टिकरण की बात करते हैं, मुसलमान के खिलाफ हिंदू भाई को करते हैं, हिंदू भाई को मुसलमान के खिलाफ करते हैं। बंद कर दीजिए, यह मुल्क संविधान से चलता है और हम संवैधानिक लोग, हम संविधान को मानने वाले प्रतुष भाई, हम चाहते हैं कि सारे लोग संविधान को मानने वाले, गंगा जमुनी तहजीब वाला सारे लोग संविधान को मानने वाले और मुल्क संविधान से ही चल रहा है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बहस में शामिल होने के लिए। Zee News।